नमस्कार दोस्तों। तो क्लास 10th CBSE बोर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, तो वो उसका हम जो एनालिसिस अभी करने वाले हैं वो उसमें फर्स्ट जो वीडियो है उस वो है बेसिक कंसेप्ट्स एंड फार्मूला पे, मतलब जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, वो हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो समझने से पहले हमें एक बात समझना जरूरी है कि अगर हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, सपोज ए और बी, ये दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, और उन दोनों में से अगर एक को हमने बी से डिवाइड कर लिया, तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो इंटीजर होगा और रिमाइंडर है वो भी इंटीजर होगा, और ये जो दोनों हैं वो यूनिक होंगे, मतलब ए और बी जो पेयर है उसके लिए ये क्यू और आर जो दोनों क्वेश्चन और रिमाइंडर हैं वो यूनिक होंगे। तो यही है दोस्तों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखा है हमने, फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट, मतलब कि ए और बी अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो वहाँ पे हमें क्यू और आर दो यूनिक नंबर्स, यूनिक मतलब कि अभी क्यू और आर वो एक ही हैं, ये पेयर एक ही होगी, अलग अलग दो नहीं होंगे, तो एक ही पेयर मिलेगी जिसके लिए Q और R क्वोशेंट और रिमाइंडर है यूनिक होंगे, और A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमें मिलेगा, और वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। बी मतलब जो भी हम डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं उससे रिमाइंडर तो ग्रेटर होगा नहीं, तो इसलिए वो स्मॉलर होगा डिवाइजर से, और वो जीरो से ग्रेटर होगा या तो जीरो को इक्वल होगा। कम्प्लीटली अगर डिवाइड होता है तो जीरो को इक्वल होगा, अगर नहीं होता है तो जीरो से ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि 16 एंड 9, अगर 16 को हमने 9 से डिवाइड कर लिया तो देयर एग्जिस्ट 1 एंड 7 सच दैट, अब यूनिक पेयर जो मिलेगी वो हमें मिलेगी 1 और 7 की। कैसे मिलेगी देखो दोस्तों, तो 16 को हमने डिवाइड कर लिया है 9 से, तो क्वोशेंट हमें मिलेगा 1, 9 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर मिलेगा 7, तो 9 इंटू 1 प्लस 7 ये होगा इक्वल टू 16। ये अभी डिवीजन के लिए एक फार्मूला भी है, डिविडन इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसमें सिर्फ अलग ये बात है कि दोनों हम इंटीजर लेते हैं यहाँ पे, कि दो नंबर्स इंटीजर हैं और उनमें से एक नंबर को पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के बाद जो पेयर मिलेगी हमें क्वोशेंट और रिमाइंडर की वो यूनिक होगी, वो पेयर एक ही होगी। तो अब हम इसका एप्लीकेशन लेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर का हमें HCF फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि सपोज हमें 32 और 50 का HCF फाइंड करना है, तो HCF इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 32 और 50 का HCF हमें अगर फाइंड करना है तो 32 और 50 दोनों नंबर को हाईएस्ट कौन से नंबर से डिवाइड होता है, जो नंबर से डिवाइड होगा वो हाईएस्ट नंबर कौन सा है वो अगर हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए ये डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले 50 को 32 से डिवाइड करना है, इन दोनों में से ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। 32 वन ज़ा 32, 50 में से 32 माइनस करने के बाद आएगा 18, 18 रिमाइंडर होगा। अब हमें क्या करना है कि इस 18 रिमाइंडर से जो हमने पहले
डिवाइजर था 32, उसको डिवाइड करना है। 32 को 18 से डिवाइड करने के बाद 18 वन ज़ा 18, 32 से 18 माइनस करो, 14 रिमाइंडर आएगा। फिर 14 से जो पहले वाला डिवाइजर था उसको डिवाइड करो 18, तो 14 वन ज़ा 14, 18 में से 14 माइनस करो 4 आएगा। फिर 4 से पहले वाला जो डिवाइजर है 14 उसको डिवाइड करो, 14 को डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 14 लिखो, 4 थ्री ज़ा 12, 14 माइनस 12 तो रिमाइंडर आएगा 2। फिर 2 से पहले जो डिवाइजर था उसको डिवाइड करो 4, तो 2 टू ज़ा 4, 4 माइनस 4। ये हमें करना है जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। जब रिमाइंडर 0 मिल जाए तो यहाँ पे जो भी डिवाइजर होगा वो होगा HCF इन दो नंबर्स का, 32 और 50 का। लेकिन हमें एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखना है, एग्ज़ाम में लिखना है ऐसे, जो अल्गोरिथम लिखना है वो ऐसे लिखना है। अब ये कैसे लिखना है देखो, 50 इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रिमाइंडर लिखना है, 32 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रिमाइंडर 18। अब यहाँ पे जो डिवाइजर होगा 32 इज इक्वल टू, मतलब हमें यहाँ पे लिखना है 32 इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे लिखा था वैसे ही 18 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, देखो 18 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 14, तो 18 इंटू 1 प्लस 14 इज इक्वल टू 32। नेक्स्ट स्टेप में लिखना है 18 इज इक्वल टू 14 इंटू 1 प्लस 4, यहाँ पे लिखा है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखना है 14 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 2, नेक्स्ट स्टेप में लिखना है 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 प्लस 0। अब यहाँ पे 0 रिमाइंडर मिल गया, तो यहाँ का जो डिवाइजर है दैट इज HCF, HCF इज इक्वल टू 2 लिखना है। अब उसके बाद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो ये थ्योरम है, ये थ्योरम क्या है देखो, हम इसका पहले स्टेटमेंट देखेंगे। एवरी पॉजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। इसका मतलब है कि जो भी कंपोजिट नंबर हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो जो एक्सप्रेशन होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। इसका मतलब जो भी हम प्राइम फैक्टर्स लिखने वाले हैं उसका ऑर्डर जो है, उसका जो सीरियल है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर हमने समझो यहाँ पे 2 इंटू 3 ले लिया तो भी होगा 6, और 3 इंटू 2 भी ले लिया तो भी होगा 6। तो 3 इंटू 2 ऑर्डर चेंज है तो भी हमें आंसर सेम मिल रहा है यहाँ पे 2 इंटू 3। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर ऑर्डर हम चेंज करेंगे तो भी मल्टीप्लिकेशन सेम आने वाला है, इसलिए हमें ऑर्डर का इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं है। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है देखो, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर HCF और LCM दो नंबर का हम लेते हैं और उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन और HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन वो दोनों इक्वल होंगे। अभी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि 15 और 20 दो नंबर्स का HCF 5 आता है, LCM आता है 60। LCM देखो कि हमने पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं हम, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों नंबर को हाईएस्ट जिस नंबर से डिवाइड होगा वो नंबर, और LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों नंबर के टेबल में मल्टीपल में जो लिस्ट नंबर आता है वो 15 और 20 के दोनों के टेबल में, दोनों के टेबल में लिस्ट नंबर आने वाला है 60। तो HCF इंटू LCM तो 5 और 60 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 300, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 15 इंटू 20 300, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब अगर ये हम तीन नंबर्स के लिए लेते हैं, तो A, B, C अगर तीन नंबर्स हैं, तो इन तीनों नंबर का HCF और LCM अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इन तीनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हमें ये नहीं मिलेगा। तो HCF
ऑफ ए बी सी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी सी इज नॉट इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, हमने यहाँ पे रूल लिखा है कि जो इक्वल नहीं होगा। अब एच सी एफ एंड एल सी एम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी हमने पहले ही क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो एच सी एफ ऑफ 30 एंड 45 अगर हमने फाइंड करना है तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये ले लिया है। तो 30 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो, 2 से अगर 30 को हम डिवाइड करते हैं तो 15 आएगा, 15 को 3 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करो 1 आएगा, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब 45 को 3 से डिवाइड होता है प्राइम नंबर, 3 से डिवाइड करो 15, 3 से 15 को डिवाइड करो 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करो 1 आएगा, तो ये प्राइम फैक्टर्स हमें यहाँ पे मिल गए। तो लिखो 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 और 45 इज इक्वल टू लिखो 3 इंटू 3 इंटू 5। अब अगर हमें एच सी एफ फाइंड करना है तो यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से दोनों में से हमें कॉमन लेना है, सिर्फ हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट के लिए हमें सभी कॉमन लेना है यहाँ पे। तो 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो 2 हम नहीं लेने वाले। तो 3 यहाँ पे है और 3 दोनों को अंडरलाइन करो और इन दोनों के बदले में 1 ही 3 यहाँ पे लिखो। अब इन दोनों को कंसिडर नहीं करना है आगे की पेयर्स के लिए। तो नेक्स्ट 5 और 5 इन दोनों के बदले में हमें यहाँ पे 5 लिखना है। अब 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे दूसरा कोई 3 नहीं है, ये तो हमने पहले ले लिया है। तो अब जो है कॉमन पेयर्स नहीं आएंगी, तो 3 और 5 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 3 इंटू 5 15, ये हो गया इनका एच सी एफ 30 और 45 का। अब अगर हमें एल सी एम लेना है तो एल सी एम के लिए पहले एच सी एफ फाइंड करो, 3 इंटू 5 कॉमन पेयर्स इन दोनों में से जो हैं वो फाइंड करो और दोनों में अब जो रिमेनिंग पेयर्स हैं, रिमेनिंग नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, वो यहाँ पे ले लो 2 और 3 और इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करो, हमें एल सी एम मिल जाएगा। ये आएगा 3 इंटू 5 15 30, ये होगा 90। तो फर्स्ट एक कॉमन पेयर्स, पहले हमें कॉमन पेयर्स लेना है और देन रिमेनिंग। अभी अगर यहाँ पे 3 नंबर हैं तो हमें एच सी एफ तो सेम लेना है कि तीनों नंबर में कॉमन जो है फैक्टर्स वो यहाँ पे लेने हैं। और एल सी एम के लिए थोड़ी अलग मेथड है, ये है कि पहले 2 नंबर में कॉमन जो है वो लेना है, पहले तो 3 नंबर हैं तो तीनों में जो कॉमन है वो लो, उसके बाद जो 2 नंबर्स हैं पहले 2 उनमें कॉमन है वो लो, फिर जो नेक्स्ट 2 हैं उनमें कॉमन और ये जो 2 हैं वो उनमें कॉमन लो। थर्ड अगर नंबर के यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स होते हैं तो, जो कि पहले हमने पढ़ चुके हैं ये, तो इसलिए हमने मैं यहाँ पे शॉर्ट में ले रहा हूँ। तो फिर दोनों कॉमन हो गए दोनों नंबर से, तो फिर जो रिमेनिंग रह गए उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करो, एल सी एम आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इरेशनल नंबर्स हैं इस चैप्टर में। तो इरेशनल नंबर है तो नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी डिवाइड बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी डिवाइड बाई क्यू, पी डिवाइड बाई क्यू इस फॉर्म में जो नंबर हम लिख नहीं सकते, और पी और क्यू जो इंटीजर हैं, मतलब न्यूमरेटर में इंटीजर होगा डिनोमिनेटर में इंटीजर होगा, इस फॉर्म में जो भी नंबर्स हम नहीं लिख सकते और क्यू डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इन दोनों के एग्जांपल यहाँ पे हमने लिए हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, पाई, 3.72, 772, 777 एक्सेट्रा आर इरेशनल नंबर्स। अब ये इरेशनल नंबर होते क्या हैं, देखो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसका मतलब क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग इसका मतलब कि डिवीजन स्टॉप नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट के आगे भी जो डिजिट हैं वो आते ही रहेंगे अप टू इन्फिनिटी, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग इसका मतलब कि रिकरिंग हम कब लिख सकते हैं, अगर समझो नंबर है 2 अप टू इन्फिनिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.2 बार, तो ये होगा रिकरिंग। रिकरिंग मतलब कि बार बार वही एक्टिविटी जो है वो हैपन होती रहेगी, तो वो कहलाती है कि रिकरिंग।
तो बार बार वही टू 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 आ रहा है, तो 3.2 बार इज रिकरिंग डेसिमल, तो ये रिकरिंग नहीं होना चाहिए इरेशनल में। तो रिकरिंग कब नहीं होगा, जब ये सेम नंबर हमें बार बार नहीं मिलेंगे वही नंबर, तो वो नॉन रिकरिंग होगा। तो यहाँ पे 3.72, 772, 777, अभी इसके बाद जो आने वाले हैं वो 2 आएगा, फिर 4 बार 7 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 बार आएगा, ऐसे ही ये आता रहेगा अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट डॉट लिया है। तो ये होगा इरेशनल नंबर। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो हम स्क्वायर रूट अगर डिवीजन मेथड से लेते हैं, तो पहले 1 से डिवाइड होगा, जो कि हमने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, 1 1 ज़ 1, यही 1 यहाँ पे लिखना है, प्लस माइनस 1 प्लस 1 होगा 2, 2 माइनस 1 1। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा, उसके आगे डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लो और यहाँ पे 2 0 लो, तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे इनफिनिट नंबर ऑफ जीरो हैं, उनमें से 2 2 की पेयर हमें लेना है, तो 2 से इसको डिवाइड करना है, जो भी हम यहाँ पे नंबर लेंगे उसी से डिजिट लेंगे, उसी से इसको मल्टीप्लाई होना है और वो इसको डिवाइड होगा, तो ये नंबर है 4 का। ये कैसे पता चला हमें, 2 से 10 को डिवाइड करो, 2 5 ज़ 10, तो 5 अगर हमने लिखा तो 25 5 ज़ 125 ग्रेटर होगा, तो उससे कम नंबर लो 4 24 4 ज़ 4 से डिवाइड होगा 96। अब यहाँ पे प्लस लो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे होगा 4, अब ये होगा 28। अब यहाँ पे 2 हमें जीरो लेने हैं, तो अगर हमने यहाँ पे 2 ले लिया तो 282 नंबर होगा, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई अगर कर लिया तो 2 2 ज़ 4 400, और 2 8 ज़ मतलब ये नंबर ग्रेटर देन 400 होगा, तो इसके लिए हमने 1 से इसको डिवाइड करना है, तो 1 से डिवाइड होगा, तो 1 यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करो, 281 1 ज़ 281। अब ये जो डेसिमल नंबर्स आने वाला है इसके बाद में डेसिमल नंबर, तो इसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट आने वाले हैं वो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड ये होता नहीं है जब तक कि ये मतलब होगा ही नहीं, इन्फिनिटी तक इसको हम डिवाइड करते रहेंगे तो भी ये चलता ही रहेगा। तो 281 अगर हमने यहाँ पे माइनस कर लिया तो ये होगा 9 9 माइनस 8 1, यहाँ पे होगा 1। तो अब फिर यहाँ पे और 2 ज़ीरो लेने हैं, यहाँ पे एडिशन करनी है 2 8 2, फिर यहाँ पे जो नंबर होगा वो 4 से डिवाइड होता है, तो 1.41 अप टू ये इन्फिनिटी मिलता रहेगा, इसीलिए हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इन नंबर्स को इरेशनल नंबर कंसिडर करना है। तो उसके बाद इफ अ प्राइम नंबर पी डिवाइड्स, हाँ नेक्स्ट जो पॉइंट है ये तो हो गया रैशनल और इरेशनल, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हमें नेक्स्ट इफ अ प्राइम नंबर पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर किसी प्राइम नंबर को ए स्क्वायर से डिवाइड होता है तो उसको ए से भी डिवाइड होगा, ये हमें याद रखना है, मतलब कि देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव, जो कि ए पॉजिटिव है, देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव। अब रैशनल एंड रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन, अब डेसिमल एक्सप्रेशन और रिप्रेजेंटेशन जो है इसके लिए हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो हमें ये डेसिमल फॉर्म जो है वो मिलेगा। लेकिन अब जो डेसिमल फॉर्म है वो 2 टाइप के मिलेंगे, अब यहाँ पे एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेट मतलब कि डिवीजन स्टॉप होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इसका मतलब डिवीजन स्टॉप नहीं होगा, लेकिन ये हालांकि ये रैशनल नंबर है पी डिवाइड बाय क्यू, इसलिए हमें रिकरिंग मिलेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग स्टॉप नहीं होगा तो, लेकिन वो रिकरिंग होगा, मतलब कि यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट आने वाले हैं वो वही वही रिपीट होते रहने वाले हैं। तो हम पहले लेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कब होता है, जब क्यू इज इक्वल टू जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए 2^m × 5^n। इसका मतलब डिनोमिनेटर के अब अगर हम प्राइम फैक्टर लेते हैं तो उन प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ या तो 2 होगा या तो 5 होगा या फिर यही दोनों होंगे 2 और 5। 2 की बहुत सारी पेयर होंगी, 5 की भी होंगी, या तो फिर एक एक होंगी या फिर दोनों में से एक एक कोई भी होगा,
लेकिन इन दोनों के अलावा अगर कोई भी नंबर 3 है, जैसे 5, 7 है, 11 है, इन फैक्टर्स में आता है तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इफ़ क्यू इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2^m × 5^m। उसका हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कि 3 को अगर हमने 16 से डिवाइड कर लिया तो आंसर आता है 0.1875 और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है, आगे कोई भी डिजिट नहीं आते हैं। तो 16 से हमने 3 को डिवाइड कर लिया, 16 के प्राइम फैक्टर्स देखो 2^4 इज इक्वल टू 16 है, 16 के प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए तो 4 × 2 आता है। तो यहाँ पे 16 को 2 से डिवाइड करो, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 4 आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 आ गया, तो ये डिवीजन स्टॉप हो गया। अभी समझो हमने 25 से डिवाइड कर लिया, 3/25, थ्री से अगर डिवाइड कर लिया तो देखो 3/25 से 3 को डिवाइड 0.12 आता है और डिवीजन स्टॉप होता है। तो 25 में 5 स्क्वायर, सिर्फ 5 फैक्टर्स आते हैं, 5 × 5 = 2, तो ये डिवीजन स्टॉप होगा, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। अब 7/8 में भी 2 फैक्टर्स हैं, 3 times, तो 0.875, 7 को डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा, डिवीजन स्टॉप होगा। 3/10 में भी 2 × 5, 2 or 5 factors हैं, तो 3 को डिवाइड करने के बाद 0.3 आता है, डिवीजन स्टॉप होगा। अब अगर हमने 1/3 डिनोमिनेटर में 3 ले लिया, 2 or 5 के अलावा कोई और नंबर जो 3 है, 1 को हमने अगर 3 से डिवाइड कर लिया तो 0.3333 अप टू इन्फिनिटी तक ये नंबर आएगा। 1 को 3 से डिवाइड करो, 3 से 1 को डिवाइड नहीं होगा तो 0. यहाँ पे 0 लेंगे तो 3 × 3 = 9, फिर रिमाइंडर आएगा 1, फिर 0 लो तो 3 × 3 = 1 0 हम ले सकते हैं पॉइंट देने के बाद, तो 3 × 3 = 9 माइनस 1, फिर 1 0, 3 × 3 = 9, फिर 1 0, और ये अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग इसका मतलब ये स्टॉप नहीं होगा, और रिकरिंग मतलब बार बार वही डिजिट जो है वो अपीयर होते रहेंगे, आते रहेंगे। अब 1/15 एक और एग्जांपल ले लिया जिसमें 5 भी है और 3 भी है, तो 5 के साथ अगर कोई और नंबर आता है 5 और 2 के अलावा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ पी इज़ रैशनल देन माइनस पी इज़ आल्सो रैशनल। पी अगर रैशनल नंबर है तो माइनस पी रैशनल होगा, पी अगर इरेशनल है तो माइनस पी भी इरेशनल होगा। रैशनल प्लस और माइनस इरेशनल, रैशनल नंबर के साथ कोई इरेशनल नंबर को प्लस और माइनस करो तो आंसर हमें इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन करो तो भी हमें इरेशनल ही नंबर मिलने वाला है। रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल तो भी इरेशनल है। अब जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सभी ऑपरेशंस अगर दो इरेशनल नंबर्स के बीच में हैं, 2 irrational नंबर्स के बीच में, तो इट इज़ नॉट अलवेज इरेशनल, ये अलवेज इरेशनल नहीं होगा। वो इरेशनल हो भी सकता है या फिर रैशनल भी हो सकता है। अब इसके एग्जांपल हम लें तो एडिशन अगर 2 irrational नंबर है, समझो √2 और −√2 दोनों भी इरेशनल हैं, उनके एडिशन लेने के बाद 0 आएगा जो कि रैशनल है। सब्ट्रैक्शन √5 माइनस करो तो दोनों इरेशनल है लेकिन उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो रैशनल आएगा। मल्टीप्लिकेशन √5 √5 से मल्टीप्लाई करो, 5 आता है जो कि रैशनल है, इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन रैशनल आ गया। डिवीजन भी करो √5 √5 से डिवाइड करो तो रैशनल आता है, तो इरेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। अब एडिशन अगर हम करते हैं √3 और 5√3 की तो इरेशनल होगी। √3 और 5√3 की सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लाई करो, डिवीजन करो। अब डिवीजन देखो, मल्टीप्लिकेशन में √3 का मल्टीप्लिकेशन √5 के साथ करो, दोनों ही रैशनल हैं
तो इनका रूट 15 आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन इरेशनल आ गया। अगर रूट 3 और रूट 3 इनका मल्टीप्लिकेशन हो, इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन रैशनल, तो इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ऐसे ही सेम डिवीजन के लिए भी ये होगा, अप्लाई होगा। अभी फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n है तो उसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट जो कुछ भी आएगा, लेकिन रिमाइंडर जो होगा वो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। यही ये स्टेटमेंट है। देखो n इज इक्वल टू, इस बुक में आपको ये कंसेप्ट जो है आंसर लिखने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो वो क्या कंसेप्ट है, देखो 3 क्यों कभी 3 यूज़ करते हैं तो कभी 4 से डिवाइड होता है तो कभी 5 से। तो ये कैसे आता है, देखो कि अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर n को, तो उस जब रिमाइंडर होगा तो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, 3 रिमाइंडर नहीं होगा। 3 से डिवाइड करने के बाद 3 से ग्रेटर रिमाइंडर हमें कभी नहीं मिलेगा। तो n इज इक्वल टू 3³ + 0, 3³ + 1, 3³ + 2, किसी भी नंबर को इन तीनों फॉर्म में ही हम लिख सकते हैं, इन तीनों के अलावा किसी भी नंबर को हम नहीं लिख सकते। अगर समझो नंबर है 10, उसको हमने 3 से डिवाइड कर लिया तो 3³ = 9, रिमाइंडर 1 आएगा। तो 10 को हमें लिखना है, 10 ये नंबर हो गया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू होगी यहाँ पे 3, प्लस रिमाइंडर होगा q की वैल्यू है 3, और रिमाइंडर होगा 1। अब 11 होगा तो रिमाइंडर आएगा 2, और 12 होगा तो फिर से रिमाइंडर आएगा 0। तो 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा 1 2 0 1 2 0, यही रिमाइंडर आते रहेंगे। तो इसलिए नंबर n इज इक्वल टू 3³ + 0, 3³ + 1, 3³ + 2 हम इसको लिख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू, अब ये 3³ + 1 कैसे आएगा कि समझो यहाँ पे 16 है, उसको हमने 3 से डिवाइड कर लिया, तो 3 × 5 = 15, रिमाइंडर 1, तो 16 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू 3 × 5 + 1, 3 × 5 = 15 + 1 = 16। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसके फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं। तो सेम 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या तो 3 होगा, इनमें से कोई भी होगा, लेकिन 4 नहीं होगा और 4 से ग्रेटर नहीं होगा, और सभी ये इंटीजर्स होंगे। तो n इज इक्वल टू 4 हमने लिखा। अभी n इज इक्वल टू 5 से अगर डिवाइड कर सकते हैं तो 5³ + 0, 5³ + 1, 5³ + 2, 5³ + 3, 5³ + 4 तक लिख सकते हैं, 4 के आगे हम नहीं लिख सकते रिमाइंडर के लिए। अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा, इसके आगे नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है ये काफ़ी है समझने के लिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, टू प्रूव √5 इज एन इरेशनल नंबर, कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, इसलिए हमें एक थ्योरम है जो कि ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। √5 के अलावा √2, √3, √7 ये ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हाँ, तो √5 हमें इरेशनल नंबर है ये प्रूव करना है। तो इसका जो प्रूफ है वो है इनडायरेक्ट प्रूफ है, इनडायरेक्ट प्रूफ मेथड से हमें प्रूव करना है। देखिए इनडायरेक्ट प्रूफ मेथड जो होती है वो क्या होती है, जो भी हमें प्रूव करना है वो स्टेटमेंट पहले हमें उसको रॉन्ग कंसिडर करना है। अगर वो रॉन्ग हमने ले लिया कि वो रॉन्ग है, तो उसका ऑपोजिट जो भी स्टेटमेंट है वो हमें कंसिडर करना है कि वो ट्रू है। अगर वो ट्रू है तो उससे हमें आगे जाके एक स्टेटमेंट मिलेगा जो कि स्टेटमेंट पहले से जो थ्योरम्स प्रूव किए हुए हैं उन थ्योरम्स को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, या पहले से जो भी एक्सियम्स हैं उनको वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन कब कैसे मिला, क्योंकि हमने जो यह स्टेटमेंट है रॉन्ग कंसिडर कर लिया। तो जो रॉन्ग कंसिडर कर लिया है वही अगर रॉन्ग साबित हो गया, तो जो रॉन्ग साबित हो गया वो रॉन्ग होने वाला है, इसका मतलब वो स्टेटमेंट करेक्ट होने वाला है। तो ये होता है इनडायरेक्ट प्रूफ मेथड। हम ये अब ये यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे कि √5 अगर समझो रैशनल नंबर है, तो √5 को हम a डिवाइड बाय p,
न्यूमरेटर इंटीजर डिनोमिनेटर इंटीजर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो वेयर ए एंड बी हमें कंसिडर करना है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स इसका मतलब कि जो भी दो नंबर्स हैं ये इंटीजर हैं, तो इन दोनों को किसी ना किसी नंबर से डिवाइड होने ही वाला है, तो डिवाइड करते रहो जब तक कि इन दोनों को किसी नंबर से डिवाइड ना हो। तो ये मिलेगा फिर सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंपलेस्ट फॉर्म हमें ए और बी कंसिडर करना है, ए बाय बी। तो ए और बी को अब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ए को भी और बी को भी, दोनों को भी, ए को हो सकता है किसी नंबर से लेकिन दोनों को भी किसी भी नंबर से अब डिवाइड नहीं होने वाला। ऐसे दो हमने नंबर कंसिडर कर लिए, रूट फाइव के लिए आएंगे ये। तो ए इज इक्वल टू होगा बी से रूट फाइव को मल्टीप्लाई करो, बी रूट फाइव इज इक्वल टू ए। अब ये होगा इक्वेशन नंबर वन। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में इसको स्क्वेयर लो, तो बी इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ फाइव का स्क्वेयर होगा बी स्क्वेयर इंटू फाइव इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर होगा ए स्क्वेयर। अब फाइव डिवाइड सी स्क्वेयर, इसका मतलब क्या है कि देखो फाइव और बी स्क्वेयर का मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर को फाइव से भी डिवाइड होता है और बी स्क्वेयर से भी डिवाइड होगा। तो ए स्क्वेयर डिवाइड्स फाइव डिवाइड्स ए स्क्वेयर हमने लिखा है, तो ए स्क्वेयर को फाइव से डिवाइड होगा। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे, सपोज शॉर्ट में हम लेंगे कि टेन इज इक्वल टू है टू इंटू फाइव, तो फाइव से भी और टू से दोनों से भी टेन को डिवाइड होता है। यही यहाँ पे है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर तीसरे नंबर को इक्वल है तो तीसरे नंबर को इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा। तो फाइव डिवाइड्स ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर को फाइव से डिवाइड होगा, इसका मतलब हमने पहले एक स्टेटमेंट लिया था, तो फाइव डिवाइड्स ए, फाइव से ए स्क्वेयर को डिवाइड होता है तो फाइव से ए को भी डिवाइड होगा। देन फाइव डिवाइड्स ए हमने यहाँ पे लिखा है कि ए से अब फाइव को डिवाइड होने वाला है, तो बी को फाइव से डिवाइड नहीं होना चाहिए जैसे हमने कंसिडरेशन लिया है उस हिसाब से। तो लेट ए इज इक्वल टू फाइव सी, ए इज इक्वल टू फाइव सी इसका मतलब क्या है कि ए को फाइव से डिवाइड होने वाला है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने वाला है हमें, तो सी हमने क्वेश्चन ले लिया, तो सी इंटीजर है, तो फाइव इंटू सी इज इक्वल टू ए। जो अब ये सी है तो सी क्वेश्चन मिलेगा, तो ए इज इक्वल टू फाइव इंटू सी होगा। अब ए इज इक्वल टू फाइव सी ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो बी इंटू रूट फाइव इज इक्वल टू ए जो है बी इंटू रूट फाइव इज इक्वल टू ए की वैल्यू होगी फाइव रूट फाइव सी। अब इन दोनों में स्क्वेयर लो दोनों साइड में, तो बी रूट फाइव का स्क्वेयर होगा बी स्क्वेयर, फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव और सी स्क्वेयर, फाइव सी का स्क्वेयर, फाइव का स्क्वेयर ट्वेंटी फाइव सी स्क्वेयर। अब बी स्क्वेयर इंटू फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सी स्क्वेयर, फाइव से दोनों साइड को डिवाइड कर लो, ये फाइव कैंसिल होगा, ये यहाँ पे फाइव होगा, तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ये कैंसिल होगा, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू फाइव सी स्क्वेयर अभी यहाँ पे मिलेगा। तो इसका मतलब होगा कि बी स्क्वेयर को फाइव से डिवाइड होगा, फाइव डिवाइड्स बी स्क्वेयर, तो ये होगा फाइव डिवाइड्स बी, फाइव से बी को भी डिवाइड होगा। तो बट ए एंड बी आर को प्राइम, हमने ए और बी को प्राइम कंसिडर किया है, तो को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों को अब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा।